बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया के वारस बन के गुरु ग्रंथ साहब जी के मगर भुगत्यो, ना कि गुरु ग्रंथ साहब चोरी वेचण वालियां दे मगर जायो ते ना ही चोरां नूं बचाउण वालियां सरकारां, चाहे वह कांग्रेस होवे ते चाहे वह आम आदमी पार्टी होवे, ना उन्हां दे मगर जायो। श्रोमणी अकाली दल का ते धामी प्रधान लिफाफे चों निकलिया होया, उन्हां दा ही चट्टा वटाया, उन्हां दा गुलाम है, उन्हां तो बिना तां ओह पर मार ही नहीं सकदा। तेरा इत्थे की काम है भाई, तू इत्थों तितर हो, तू जाके दरबार साहब का प्रबंध वेख। श्रोमणी कमेटी के तुहाडे कुछ वह भ्रिष्ट मुलाजम जिहड़े आ वह उत्थे महाराज जी की नरादरी करी जाते हैं, खबरां रोज़ निकल रही ने। तुसीं इत्थे प्यो वालियां वोटां मंगते फिरदे हो लोकां 'च जा। वन इंडिया पंजाबी देख रहे हो तुसीं। साडे सज्जे पासे इस वेले बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया का 300वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। इस साल 300वां जन्म दिवस जिहड़ा होवेगा बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया का। और खब्बे पासे जे आपां गल करिए तां भाई बलदेव सिंह जी वडाला मौजूद ने, उन्हां दे नाल बीबी पलविंदर कौर मौजूद ने जो इस बार जिमनी चोण दे विच उतरनगे। तुहानूं दस दईए कि जिमनी चोण दे विच बीबी पलविंदर कौर आज़ाद उम्मीदवार दे तौर उत्ते चोण लड़नगे और नाल बाबा बलदेव सिंह वडाला जी भी नाल मौजूद ने, भाई बलदेव सिंह वडाला भी नाल मौजूद ने। उन्हां नाल गलबात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब अज चोण प्रचार शुरू करन जा रहे हो अपना, जी माहौल तो लगता है एक पासे बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया का भी 300वां सालगिरह मनाई जा रही है, दूजे पासे तुहाडा चोण प्रचार शुरू हो रहा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया नूं याद करदे आं, समुचे पंजाब वासियां नूं बेनती करदा है कि आओ नवें सिरियों पंजाब नूं मुड़ सिरजण की कोशिश करिए। समाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर। और बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया बनने वास्ते सानू सारियां नू बेगमपुरा सिख नीति जां ओह सरकारी खालसा रामराज जमहूरीयत लोकतंत्र, ये सारिया चीज़ां सानू उस तरह ध्यान च रख के उन्हां नू सुरजीत करना होऊ जिथे हर बंदा कह सके नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। हर एक दी जान माल इज्जत दी राखी होवे, जबर जुल्म दे खिलाफ होवे, ना बिना कृपान पाए सच्चे होण दा दावा करन वाले सिख होण ते ना कृपाना पा के झूठ बोलण वाले सिख होण। इस लई बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया नूं याद करदिआं बेनती करांगा नौजवानी साबत सूरत होवे, नशियां तो मुक्त होवे, धी भैन पत्नी माँ का अदब करे, मुरदार खाण तो गुरेज करे, गुरु कृपा करे, जबर जुल्म के विरुद्ध खड़न की ताकत बख्शे। जिथों तक प्रचार का सवाल है, 328 सरूप महाराज जी के चोरी वेचे ने श्रोमणी कमेटी वालिया ने। 9,92,886 अंग अणअधिकारत छापे ने और 9,82,700 रुपया स्याही तो कागज़ का खा गया। उदू बाद 2,04,536 अंग लापता होए, सैकड़े सरूप सड़ गए महाराजियां दे, नरादर होया, बेअदबी होई। और 2095 तो लैके 2015, 2018 तो लैके 2023 तक की पड़ताल अजे पेंडिंग पई हुई है। उन्होंने मुड़ करवाउण लई, उहदा इंसाफ लैण लई पंजाब ते जलंधर निवासी 10 मई नूं चेते रखियो, बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया के वारस बन के गुरु ग्रंथ साहब जी के मगर भुगत्यो, ना कि गुरु ग्रंथ साहब चोरी वेचण वालियां दे मगर जायो ते ना ही चोरां नूं बचाउण वालियां सरकारां, चाहे वह कांग्रेस होवे ते चाहे वह आम आदमी पार्टी होवे, ना उन्हां दे मगर जायो। 10 मई नूं बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िए दे वारस होण दा सबूत दिओ, ये अज इत्थों मैं सारियां नूं कहना चाहुंदा। अच्छा, दो सवाल इकट्ठे पूछ रहा, एक पासे तो एडवोकेट धामी आए हुए हैं अज, तो दूजे पासे तुहानूं लगता है कि वो तुहाडे नाल तुहाडा समर्थन करनगे? और दूजे पासे ये भी जिहड़ी चर्चा छिड़ी हुई है कि श्रोमणी अकाली दल दे नाल प्रचार करदे पे उन्हां दे हक दे विच, इस बारे तुहाडा की कहना है? कौन प्रचार कर रहे? एडवोकेट धामी मेरे नाल श्रोमणी अकाली दल दे नाल प्रचार करदे पे। श्रोमणी अकाली दल दा ते धामी प्रधान लिफाफे चों निकलिया होया, उन्हां दा ही चट्टा वटाया, उन्हां दा गुलाम है, उन्हां तो बिना तां ओह पर मार ही नहीं सकदा। ये चत कथनी तो कोई है नहीं। श्रोमणी कमेटी कह रहे आ धार्मिक संस्था है, तो फिर धार्मिक संस्था के प्रधान का कम की इत्थे वोटां मंगणियां? तो इन्हों पुछना किन्ने सी आ जिहड़े पग्गां च सिर फसाई फिरदे आ। ते जे कोई पग बन के आया हुंदा ते जरूर पुछदा भी तेरा इत्थे की काम आ भाई, तू इत्थों तित्तर हो, तू जाके दरबार साहब का प्रबंध वेख। श्रोमणी कमेटी दे तुहाडे कुछ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਬਰਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿਓ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ कि जेड़े गुरु साहब चोरी वेच के आए होण वो ਸਰੋਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ नहीं, वो तो गल च परना पा के खिंचण के हकदार होंदे। ਭੈਣ ਜੀ ਅੱਜ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਥੋਂ ਮਾਰਚ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਏ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ? ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੜੇ ਆ, ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। चोण प्रचार शुरू हो चुका है। भाई बलदेव सिंह वडाला वालों भी बीबी पलविंदर कौर वालों भी चोण प्रचार शुरू कर दिता गया। थोनों पूरी जानकारी नाल-नाल दिंदे रवांगे किस तरह का माहौल चलता पाया। एक पासे हरजिंदर सिंह धामी भी पहुंच चुके हैं और दूजे पासे हुण चोण प्रचार वड्डे पद्धर ते शुरू हो चुका है। बने रहो वन इंडिया पंजाबी दे नाल, पल पल दी जानकारी दिंदे रवांगे। सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।